हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि ये अपने पूरे स्टाफ के साथ प्लेस पर पहुँच जाता है। इतने में यहाँ पर कुछ सिविल सर्वेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम आप लोगों को कुछ टास्क देंगे जो कि आप लोगों ने पूरे करने होंगे। ये कहता है कि हम लोग तो बिजनेस ट्रिप पर आए थे, ये सब कुछ क्या हो रहा है। डैन कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे गलती से गलत जगह की बुकिंग हो गई थी। ये कहता है कि हाँ मुझे पता था कि ऐसी अजीब हरकत तुम ही कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं मैं इवेंट को कैंसिल कर देता हूँ। इस पर डैन कहता है कि देखो ये लोग हमें कंपटीशन करने दे रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ये मना करने लग जाता है तो डैन सबसे कहता है कि आपके बॉस सेकंड प्लेस पर आने से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए वो कंपटीशन नहीं खेलना चाहते। फिर अचानक से ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से भी नहीं डरता। फिर वो डैन से पूछता है कि तुम्हारी क्या बैट है। डैन कहता है कि अगर तुम कंपटीशन हार गए तो हम तुम्हारा डेटिंग बैन हटा देंगे और फिर पहले की तरह सब लोग ऑफिस में डेट कर सकते हैं। ये कहता है कि ये डेटिंग बैन मेरी वजह से नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि जो भी ऑफिस में डेट करता है वो अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसकी ये बात सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता और वो सब लोग डैन के साथ हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ लियांगी इसके पास खड़ी होती है, फिर वो भी डैन के पास ही चली जाती है और कहती है कि आपका ये रूल कुछ ज्यादा ही अजीब है, हम इसे फॉलो नहीं कर सकते। अब ना चाहते हुए भी ई को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है और फिर इन लोगों का कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। दो टीम्स बनती है, रेड एंड ब्लू। कुछ लोग ई के पास चले जाते हैं और कुछ लोग डैन के पास। डैन की टीम में लियांग भी मौजूद होती है। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और इसमें लियांग और डैन एक साथ परफॉर्म करते हैं, साथ ही ई के साथ उसकी एक कुलीग भी मौजूद होती है। प्रिंसेस क्योंकि ई के काफी ज्यादा करीब होती है तो इसकी वजह से उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होता है। ऑकवर्डनेस की वजह से वो पीछे हट जाता है और इसकी वजह से वो लोग गेम हार जाते हैं। वहीं लियांग और डैन एंड तक जाते हैं और वो गेम जीत जाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और दोनों ही टीम मेंबर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अचानक से ब्लू टीम का पैर मुड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये का टीम मेंबर पहले तो आकर इस लड़की की हेल्प करता है, फिर वो जल्दी से जाकर ये राउंड जीत जाता है। अब लास्ट राउंड की बारी आती है जिसमें डैन और लियांग साथ परफॉर्म करते हैं। ये के साथ उसकी कुलीग परफॉर्म कर रही होती है और इसमें एक एक पैर बांध कर दोनों को साथ चलना होता है। ये लोग काफी अच्छे से खेल रहे होते हैं कि अचानक से लियांग का डिसबैलेंस हो जाता है, वो इधर उधर गिरने लग जाती है और इसे संभालने में डैन को काफी ज्यादा टाइम लगता है। इतने में ये और उसके कंटेस्टेंट जाकर ये गेम जीत जाते हैं। अब इस तरह से ये की टीम जीत जाती है और बैट के मुताबिक अब उसे डेटिंग बैन नहीं हटाना पड़ेगा। सभी लोग ये देखकर सैड होते हैं क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये गेम हार जाए और इस तरह से डेटिंग बैन हट जाए। लियांग भी बहुत ज्यादा सैड होती है और वो डैन से कहती है कि अगर मेरे पैर में मोच नहीं आई होती तो हम लोग ये गेम जीत जाते। डैन कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। ये को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन दोनों के बीच में से गुजर कर यहाँ से चला जाता है। सब लोग परेशान होते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग बैठकर लंच कर रहे होते हैं, वहीं डैन इनको बैठकर स्टोरी सुना रहा होता है। पीछे सारे लड़के बैठे होते हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस होते हैं कि सारी लड़कियां डैन की बातों में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इतने में यहाँ पर ये आता है और वो देखता है कि खाने के लिए क्या क्या रखा हुआ है, लेकिन कोई भी चीज़ उसके मतलब की नहीं होती तो वो कुछ खाए बगैर ही यहाँ से चला जाता है। ये की कुली कहती है कि देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें थी लेकिन बॉस ने कुछ भी नहीं खाया। इस पर लियांग दिल में सोचती है कि वो बेचारे कुछ भी नहीं खा पाए, उन्हें कितनी भूख लग रही होगी। फिर अचानक से खुद ही सोचती है कि मुझे क्या, मैं उनकी इतनी परवाह क्यों कर रही हूँ। खैर अब रात हो जाती है और ये के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो वेंडिंग मशीन के बाहर खड़ा होता है और चेक कर रहा होता है कि कौन सी चीज वो खा सकता है। इसके साथ ही लियांग का दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस के साथ बैठी होती है और अपनी फिश के बारे में उसे बता रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि मेरे पास भी एक डॉग था लेकिन वो मर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ नहीं है हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि उसके पीछे रोना चाहिए क्योंकि इससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो लियांग मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए। इतने में ये यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि कैट और डैन साथ बैठे होते हैं और ये दोनों आपस में बैठकर एलेक्स की बातें कर रहे होते हैं। कैट बहुत ज्यादा सैड होती है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं एलेक्स के साथ हो पाऊंगी। इतने में यहाँ पर एलेक्स आ जाता है तो डैन उसे सॉरी कहता है, फिर अचानक से उसके पेट में गुस्सा मार देता है। कैट ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो इस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर कैलेक्स का हाथ पकड़ती है और उसे यहाँ से ले जाती है। वो पीछे मुड़कर डैन को इशारा करता है और इससे हमें पता चलता है कि ऐसा इन दोनों ने जानबूझकर किया है।
अब ये दोनों अंदर आ जाते हैं तो इतने में इनकी मुलाकात लियांग से होती है। लियांग पूछती है कि एलेक्स को क्या हुआ है, तो कैट कहती है कि पता नहीं, डैन ने इसको इतनी जोर से घूसा मारा। एलेक्स हंस रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही कैट को देखता है वो फौरन से सैड शक्ल बना लेता है। लियांग कहती है, अच्छा मैं अभी डैन के पास जाती हूँ और उसे पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं और लियांग डैन से बात करने के लिए आ जाती है। इससे पूछती है कि तुमने एलेक्स के साथ ऐसा क्यों किया। डैन इसे सारी बातें बताता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो इतने टाइम से सोच रही थी कि इन दोनों के रिलेशन को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन तुमने तो चुटकियों में ये काम कर दिया, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ये दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक से पीछे से ये आ जाता है और इन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है। लियांग कहती है कि पूरी रॉ में इतनी सारी जगह है, तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठे हो। लेकिन वो इसकी बात का जवाब नहीं देता और डैन के साथ बातें करने लगता है। डैन कहता है कि इतनी रात हो रही है और तुम्हें अभी भी काम याद आ रहा है, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ। इस पर ये कहता है कि चलो ठीक है, फिर तुम मेरे एम्प्लॉयज के साथ बैठकर बातें क्यों मिला रहे हो। डैन कहता है कि वो मेरा मसला है कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ या फिर किस में नहीं हूँ, तुम्हें इस चीज़ की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने तो कुछ भी नहीं खाया था, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही। तो ये कहता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। अचानक से इसके पेट से आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसे सुनकर ये दोनों हंसने लगते हैं। डैन इसे पूछता है कि चलो हम लोग चलते हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगा। ये मना कर देता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। फिर डैन इसे कहता है कि चलो हम तीनों चलते हैं और जाकर गेम्स खेलते हैं, लेकिन ये इसका भी मना कर देता है। डैन लियांग का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से लेकर जाने लगता है। लियांग को भी थोड़ा बुरा लग रहा होता है और उसे ये की फिक्र हो रही होती है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर पाती और डैन के साथ अंदर चली जाती है। ये दोनों अंदर आ जाते हैं तो अचानक से लियांग कहती है कि हम लोग किसी और दिन गेम्स खेलेंगे, अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही हूँ। वो फौरन से किचन में आ जाती है और फिर यी के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है। इसके साथ ही यी का दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में बैठा होता है और काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी काम पर नहीं होता। उसे बार बार बस यही ख्याल आ रहा होता है कि इस वक्त लियांग और डैन क्या कर रहे होंगे। वो बार बार चीज़ों को इमेजिन कर रहा होता है कि अब वो दोनों गेम्स खेल रहे होंगे, अब वो दोनों एक दूसरे के करीब होंगे और एक दूसरे को किस करने लगे होंगे। इसी बात से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब यी को लियांग से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है। आखिरकार अब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और यी को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। वो फौरन से खड़े होता है और रूम से बाहर जाने लगता है। वो जैसे ही गेट खोलता है देखता है कि लियांग तो गेट पर ही खड़ी हुई है। वो इसे ब्रेड फेंक कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पेट से बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। फिर इसे ब्रेड देती है और यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि लियांग एक जगह पर बैठी होती है, इतने में यहाँ पर ये चलती हुई आता है। इसे कहता है कि अभी तो बहुत सुबह हो रही है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। ये कहती है कि जब भी मैं इतने सारे लोगों के साथ किसी ट्रिप पर आती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। ये कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले लियांग अपनी बात को कम्प्लीट करती है और इसे माफ़ी मांगती है कि मैंने अपनी फ़िश के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुनाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, गलती मेरी भी थी कि मैंने उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। फिर इसके बाद ये कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली से बहुत दूर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि फैमिली को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, और वो फिश तो तुम्हारे लिए बिल्कुल एक फैमिली की तरह थी, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे भी माफ़ कर देना। जब हम घर जाएंगे तो उसका वार्म सा फेयरवेल करेंगे। लियांग सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि जी ठीक है। फिर अपने बैग से सैंडविच निकालती है और कहती है कि मुझे पता था कि आपने लंच नहीं किया होगा, आप इसे खा लें। लियांग का इतनी ज़्यादा परवाह करना ये को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों को टीम्स में बांटा जाता है और इनके सर्वे स्टार्ट होता है। डैन के साथ लियांग का टीममेट बनता है और ये के साथ प्रिंसेस का। ये सब लोग अपने अपने सर्वे पे निकल जाते हैं और बीच रास्ते के अंदर इनकी मुलाकात होती है। डैन कहता है कि हम लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं और अपने आगे के रास्ते को एक साथ तय करते हैं। अब ये लोग साथ साथ चलने लग जाते हैं और ये लियांग से पूछता है कि कल रात तो मुझ पर ब्रेड फेंक कर गई थी, इसका क्या मतलब था। लियांग कहती है कि ये सब कुछ मैंने जू में सीखा है। ये से पूछता है कि जू बीच में कहाँ से आ गया, तुम्हारा इस बात का क्या मतलब है। तो लियांग बताती है, मतलब जो जू में कुछ जानवर होते हैं जो बहुत ज़्यादा जंगली होते हैं और उन्हें हम डेंजरस वाइल्ड एनिमल भी कहते हैं, जब हम उन्हें खाना खिलाते हैं तो हमें इस तरह से फेंक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें प्यार से खिलाएंगे तो वो हम पर अटैक कर देते हैं। ये बात सुनकर ये को गुस्सा आता है और वो लियांग को डांटने के लिए उसके करीब जाने लगता है। लियांग इसे डर के मारे जल्दी से आगे भागती है और इसी वजह से उसका पैर मुड़ जाता है।
डैन जल्दी से उसका शूज उतारता है और उसके पैर को देखने लगता है। ये दोनों बहुत करीब बैठे होते हैं और ये इनको देखकर बहुत ज्यादा जेलिस फील कर रहा होता है। फिर अचानक से कहता है कि अब बहुत हुआ, मुझे गेम खेलने में मजा नहीं आ रहा, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। प्रिंसेस सब कुछ नोट कर रही होती है, फिर वो उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या आप जेलिस हो रहे हैं। ये कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं क्यों जेलिस होने लगा। फिर वो कहती है कि अगर आप जेलिस नहीं हो रहे तो आप ये गेम छोड़कर क्यों जा रहे हैं। फिर लियांग भी इसके पास आकर इसे समझाते हैं कि आप प्रिंसेस को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, आप दोनों को टीममेट्स बनाया गया था, आपको चाहिए कि आप अपना गेम कंप्लीट करें। ये कहता है कि मुझे कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। लियांग को भी ये देखकर गुस्सा आता है और वो कहती है चलो ठीक है, इनको जाने दो, हम लोग एक साथ चलते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि लियांग, डैन और प्रिंसेस एक साथ जा रहे होते हैं और ये लोग आपस में ये की बातें कर रहे होते हैं। अचानक से सामने एक होल आ जाता है जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लियांग के दिल में फौरन से ये का ख्याल आता है कि अगर वो इसके अंदर गिर गया तो उसे कितनी ज्यादा चोट लगेगी। फिर वो अचानक से चीखकर कहती है कि मुझे परवाह नहीं है, बेशक उसे लगती रहे। प्रिंसेस हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो। ये कहती है कि किसी की भी नहीं। खैर फिर ये लोग आगे जाते हैं और देखते हैं कि ट्री के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा बॉम्ब लगा हुआ है। इसे देखकर लियांग के दिल में फौरन से ख्याल आता है कि ली ने मुझे बताया था कि एक मर्तबा उसे शहद की मक्खी ने काट लिया था और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ था। ये एकदम परेशान हो जाती है और भागते हुए पीछे की साइड चली जाती है। इसके साथ ही ये का दिखाया जाता है क्योंकि उसकी बॉटल में पानी खत्म हो जाता है तो वो रिवर साइड पर पानी लेने के लिए जाता है। वो जैसे ही इसमें बॉटल डालता है, बॉटल में से इसका सामान निकाल कर रिवर के अंदर ये चला जाता है। ये बहुत कोशिश करता है कि उसे पकड़ ले, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो आगे जाता रहता है। खैर फिर ये उसे छोड़ देता है और आगे चला जाता है। इतने में पीछे से लियांग आती है और वो देखती है कि रिवर के अंदर ये का सामान पड़ा हुआ है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद ये पानी में गिर चुका है। वो जल्दी से भागते हुए जाती है और रिवर के अंदर कूद जाती है। इधर उधर ये को ढूंढने लगती है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। पानी की गहराई इतनी ज्यादा होती है कि वो खुद को भी बचा नहीं पाती और फिर उसी के अंदर डूबने लगती है। जोर जोर से चीखने लग जाती है कि प्लीज सेव मी। कोइंसिडेंसली ये अभी थोड़ा आगे गया होता है तो उसे लियांग के चीखने की आवाजें आने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। वो इसे ढूंढते हुए रिवर साइड पर पहुंचता है और देखता है कि लियांग पानी के अंदर डूब रही है। वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखता और जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर पानी के अंदर कूद जाता है। फिर लियांग को बचाता है और पानी के बाहर लेकर आता है, लेकिन क्योंकि लियांग काफी ज्यादा डर गई होती है तो इसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलती क्योंकि इसके पेट में पानी भी गया होता है और इसकी वजह से लियांग बेहोश पड़ी होती है। ये इसे CPR देता है लेकिन तब भी लियांग की आंखें नहीं खुलती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जोर जोर से इसका पेट दबाकर पानी निकालने लगता है। आखिरकार लियांग की आंख खुल जाती है और फिर ये थोड़ा सा रिलीफ में आता है। वो फौरन से इसे हग कर लेता है और कहता है कि अब कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।